ढांचा बने हुए पूरे 25 साल हो गए। तो आइए नजर डालते हैं अयोध्या के बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की क्या है पूरी कहानी। 25 सितंबर 1992 को गुजरात के सोमनाथ से जब उस समय के बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी तो किसी को ये अंदाजा भी नहीं था कि 6 दिसंबर 1992 तक उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 2 लाख कार सेवक पहुँच चुके होंगे और एक ढांचे को मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। 1528 में अयोध्या में मुगल बादशाह मीर बकी के द्वारा बनाई गई मस्जिद पर शुरू से ही विवाद रहा है। कभी मस्जिद के अंदर मूर्ति का पाया जाना या फिर अवतरित होना, इन जैसी वजहों से इस मस्जिद और विवाद का अच्छा नाता बन गया था। नाम बाबरी मस्जिद था पर 5 दिसंबर 1950 को कोर्ट ने इसे विवादित ढांचे का नाम दे दिया। अयोध्या की राम जन्मभूमि, ऐसा माना जाता है कि 1528 में मुगलों ने अयोध्या में आक्रमण कर वहां मस्जिद का निर्माण किया था। हमारे यान टीवी के रिपोर्टर काशिफ कुछ समय पहले अयोध्या गए और वहां उन्होंने लोगों से जानने की कोशिश की कि वहां परिस्थिति क्या है अभी। जी काशिफ बताइए, तो वहां अभी मौजूदा हालात क्या है? देखिए, हमने दोनों पक्षों के लोगों से बात जानने की कोशिश की, हिंदू समुदाय से और मुसलमान समुदाय के लोगों से। उनका यही मानना है, उनका सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का वो पालन करेंगे और कल से ये मुहिम जारी है और देखना अब ये होगा कि कब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, उसी के फैसले पर उनका पालन करना होगा उन्हें। तो हमने अपने संवाददाता से जाना कि चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुसलमान पक्ष, दोनों ही पक्ष पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर आश्रित है। कैमरामैन निखिल के साथ मैं मोपिया विश्वास, यान न्यूज़। 2.77 एकड़ में फैले जमीन के इस हिस्से पर 3 अलग-अलग समुदायों ने दावा ठोक रखा है, चाहे वो राम मंदिर की समिति हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड या फिर निर्मोही अखाड़ा, तीनों इसे अपना अपना बताते आए हैं। 30 सितंबर 2010 को अदालत का ये फैसला भी आया था कि तीनों दावेदारों में जमीन के उस हिस्से को बांट दिया जाए, लेकिन इससे कोई भी दावेदार संतुष्ट नहीं हुआ और इसी के साथ ये केस भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। 6 दिसंबर 1992, कुछ लोग इसे शौर्य दिवस मानते हैं, वहीं कई लोगों के हिसाब से ये काला दिवस है। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के बाद बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद की एक साझा रैली जिसमें करीब 1.5 लाख कर सेवक शामिल हुए, इस रैली ने कब एक आक्रामक रूप अपना लिया किसी को भनक तक नहीं हुई। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बावजूद इन ये कर सेवक बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे में घुसे और उसको गिराने में सक्षम हुए। इस घटना के बाद शहर में दंगे भड़क गए जिसमें करीब 2000 लोगों के मारे जाने की खबर आई। इस विवाद पर अलग अलग अदालतों में सुनवाइयां जारी हैं और किसी ऐसे फैसले का इंतजार किया जा रहा है जिससे दोनों पक्षों के लोग खुश हों, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी इस मुद्दे पर अलग अलग बयान देकर अपनी राजनीति चमकाते रहे हैं। अब इंतजार है तो उस दिन का जिस दिन इस देश का सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे पर एक फैसला सुनाएगा और देश में शांति का माहौल दोबारा कायम करेगा। कैमरामैन निखिल के साथ मैं गौरव गुप्ता, यान न्यूज़। तो 6 दिसंबर फिर से आ चुका है, 25 साल पूरे हो जाएंगे, कहीं शौर्य दिवस मनाया जा रहा होगा तो कहीं काला दिवस। वैसे आपसी सहमति बनाने के लिए मुलाकातों का सिलसिला तो चलता रहा है, लेकिन क्या सहमति बन पाएगी, इस सवाल पर लगा प्रश्न चिन्ह हर मुलाकात के साथ बड़ा होता चला जाता है। तो कल यानी 5 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना सुनवाई भी शुरू कर डाली। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सभी पक्षों के वकील ने अपने तर्क रखे। करीब 164 साल पुराने अयोध्या विवाद के मामले पर कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर सुनवाई 2019 में हो, जो कि आम चुनाव के बाद होनी चाहिए, क्योंकि इसका कोर्ट के बाहर भी असर पड़ेगा। बीजेपी अपने हर चुनाव में और फिर उसके मैनिफेस्टो में अयोध्या, राम जन्मभूमि और राम मंदिर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती रही है। मौसम फिर से चुनावों का है, वैसे तो गुजरात के चुनाव का उत्तर प्रदेश से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है, पर याद कीजिए वो सोमनाथ यात्रा जिसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी। अगर आप सोमनाथ यात्रा को याद कर रहे हैं तो आपको मजबूरन याद करना पड़ेगा लाल कृष्ण आडवाणी को। तो जरा सोचिए कि जिस नेता ने अपनी पार्टी के लिए खुद पर इतना बड़ा रिस्क लिया, यहाँ तक कि बिहार के समस्तीपुर में उसी सोमनाथ यात्रा की वजह से उसे गिरफ्तार तक होना पड़ा, वो अभी पार्टी के हाशिए पर खड़ा है।
भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को शुरुआती दौर में चमकाने में राम मंदिर मुद्दा और आडवाणी का बहुत बड़ा हाथ रहा है और गाहे बगाहे ये दोनों मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। अयोध्या में मंदिर बनेगा या मस्जिद, इसका फैसला कोर्ट करे या ना करे, लेकिन बीजेपी के कई सारे नेताओं ने इस पे अपना बयान दिया है। सबसे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मंदिर बन के रहेगा, इसमें कई सारे मुसलमान हैं जिनको राम मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है, और उन्हें ये भी कहा है कि सबसे पहले राम जी की मूर्ति बनेगी। लेकिन बीजेपी के सांसद विनय कटारिया ने कहा है कि राम मंदिर बन के रहेगा, इसमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इसे रोक सके। तो ढांचे को मलबे में तब्दील हुए 25 साल हो जाएंगे। इन 25 सालों में अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ इतना कि राजनीतिक रोटियां जमकर सेकी गई हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो या फिर पूरे भारत के लोकसभा चुनाव, मुद्दा राम मंदिर का जरूर उठा है। तो क्या ये सिर्फ मुद्दा ही है? बात मुद्दों की हो रही है तो जरा याद कीजिए सुब्रमण्यम स्वामी के उस बयान को जो इस साल के शुरुआत में दी गई थी कि इस साल के अंत आते आते हम भव्य राम मंदिर बनाने का काम शुरू कर देंगे। साल खत्म होने को है पर समस्या के समाधान की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। किया भी क्या जा सकता है उम्मीद के सिवा, और उम्मीद भी ये कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो सके। यान रिपोर्ट। देश विदेश की बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।